स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन माई स्टोरी किंग ब्रुश एंड द स्पाइडर. फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर आई हैव एक्सप्लेन्ड. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन थर्ड लेक्चर. ओके, सो स्टूडेंट्स, लुक एट द टॉप ऑफ द पेज. एज ब्रुश वॉज थिंकिंग, ही नोटिस्ड अ स्पाइडर ऑन द फ्लोर. हैविंग नथिंग टू डू, ही बिगेन ऑब्जर्विंग द स्पाइडर. He watched the spider slowly climb a wall and begin waving its web. To do so, he threw its silk thread from one pole to the other 6 times. Failing each time, the king felt a certain kinship with the spider, trying to wave its web but unsuccessfully. Suddenly he saw a spider was crawling on the floor. Tabhi achanak se wo jo, when he was listening raindrops and think about his defeat, jab wo barsat ki awaaz sunke apni haar ke bare mein soch raha tha, what he saw suddenly usne dekha, he saw a one spider crawling on the floor. अपने जाल से नीचे गिर के जमीन पे क्रॉलिंग हो रही है, रेंग रही है. एंड ट्राइंग टू क्लाइंब अपॉन द वॉल by getting its web, और दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही है जिससे कि वो अपने जाल में पहुँच जाए. Having nothing to do at that time, no any task, no any thinking, no any views to think about that time. उस समय राजा के पास सोचने और करने के लिए कुछ भी नहीं था. His eyes fixed upon the spider. उसकी आँखें किस पर टिक गई? Spider पे. He gazed स्पाइडर कंटिन्यूइंगली एंड क्यूरियसिटी. वो बहुत ही एक तक स्पाइडर को उत्सुकतापूर्वक देख रहा था. ही बिगिन ऑब्जर्विंग द स्पाइडर एंड इस ऑब्जर्व कर रहा था. नाउ व्हाट वुड बी नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम अब क्या होगा. ही वॉच द स्पाइडर स्लोली क्लाइंब अ वॉल एंड बिगिन वेविंग इट्स वेब. वो देख रहा था कि स्पाइडर धीरे धीरे अपने जाल में जाने के लिए वेविंग, मतलब जो पतले पतले थ्रेड्स होते हैं उनके, जो जाल के आपने देखा होगा, उस पर धीरे धीरे चढ़ने की कोशिश कर रही है दीवार के थ्रू. टू डू सो ही थ्रू इट्स सिल्क थ्रेड फ्रॉम वन पोल टू अनदर 6 times. और वो ऐसा करने के लिए 6 times अगेन एंड अगेन ट्राई करती रहती है. एक पोल से दूसरे पोल में जाने के लिए बहुत ही डेलिकेट थ्रेड होते हैं उनके जाल के. आपने देखा ज़रूर होगा मकड़ी के जालों को. यू हैव वॉच्ड बिफोर दिस टाइम, उससे पहले आपने ज़रूर देखा होगा कि बहुत पतले पतले थ्रेड होते हैं. बट आफ्टर सो डेलिकेटेड थ्रेड, ही ट्राइंग टू गो इट्स वे by the waving. 6 times उसने मेहनत की, falling each time, और हर समय वो गिरी. ओके, द किंग फेल्ट अ सर्टेन किनशिप विद द स्पाइडर, ट्राइंग टू वेव इट्स वेब बट अनसक्सेसफुली. और ये देखते ही देखते किंग्स का, राजा का एक पेनफुल रिलेशंस बन गया उस मकड़ी से. उसके लिए एक दर्द भरा रिश्ता बन गया. और वो उसके लिए ही वॉज सो मच क्यूरियस अबाउट डैट, वट वॉज द नेक्स्ट टाइम, इज स्पाइडर सक्सेस आर नॉट, क्या वो सक्सेस होगी, ही वुड बी सक्सेस आर नॉट टू वेविंग इट्स वेब, वो सक्सेस होगी कि नहीं होगी. तो वो बस कंटिन्यू उसको देख ही रहा था. एंड फाइनली व्हेन द स्पाइडर फेल डाउन अपॉन द फ्लोर, और जब वो पूरी तरह से ज़मीन पे गिर गई, देन व्हाट ही थॉट, पुअर क्रिएचर्स, बेचारी मकड़ी. मीन्स उसके जो स्ट्रक्चर था, उसकी जो कंडीशन थी, उस पर राजा कह रहा था, बेचारी मकड़ी. सेड ब्रुश, द स्पाइडर अंडरस्टैंड्स व्हाट फेलियर्स फील लाइक्स टू. एक मकड़ी ही समझ सकती है कि हारने के बाद कैसा फील होता है, क्योंकि एट दैट टाइम ही वॉज ऑल्सो डिसअपॉइंट बाई हिज डिफीट. एंड सो ही थिंक दैट वन स्पाइडर ऑल्सो कैन थिंक वट इज़ द फीलिंग्स ऑफ फेलियर, कि क्या एक मकड़ी भी सोच सकती है कि एक फेल, जिंदगी में असफल होने की क्या थाट होती है, क्या उस समय उसकी व्यूज होती है, कैसा लगता है. It was then that Brush noticed the spider getting ready to throw the thread the 7th time. He was surprised at the spider spider's perseverance. Okay, it was then that Brush ne aisa tab kaha jab usne dekha ki the spider getting ready to throw the thread again. He started to getting क्लाइंबिंग अपॉन द वॉल, वो फिर से स्टार्ट हो गई दीवार पे चढ़ने के लिए. ही इज़ रेडी टू गो देयर,
फिर से वो अपने जाल में जाने के लिए तैयार हो गई एंड इन सेवन टाइम ही वॉज सरप्राइज एट द स्पाइडर प्रिजर्वेंस और वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हुआ स्पाइडर के इस काम से। किंग ब्रुश वॉज बिकम अमेज्ड दैट स्पाइडर नॉट गिव अप, उसने हार नहीं मानी। एट दैट टाइम ब्रुश आइज वॉज फिक्स्ड एंड गेज्ड टुवर्ड्स दैट सीन, ही वॉज क्यूरियस अबाउट टू नोइंग हिज द रिजल्ट, व्हाट फॉर व्हाट वुड बी द नेक्स्ट टाइम, वॉज स्पाइडर सक्सेस और नॉट By climbing his webs, अपने जाल में जाने में सक्सेस होगी कि नहीं। Getting surprised to seeing spiders continuing his efforts, और ये हैरान होते होते राजा बार बार उसकी तरफ देख रहा था, उसके प्रयास को, लगातार किए गए प्रयास को देख रहा था। Excited Brush shut up and watched the spider make another attempt. Will it succeed this time? He wondered. वो हैरान हो रहा था। Okay, caught in the moment, this moment caught by king. Caught by the spider to the king. Spider के द्वारा राजा उस क्षण बंद गया था, उस समय से बंद गया था। His eyes fixed. He forget all his troubles and concentrated only on the spider swinging itself upon the slender thread. At that time he forget all his troubles and defeat. उस समय वो अपनी सारी परेशानियों को भूल गया था and his troubles and he was cast by this time. वो इस समय से बंद किया था एंड स्टेयरिंग ओनली स्पाइडर स्विंगिंग एंड स्लेंडर थ्रेड, वो बस झूलती हुई एक जो स्ट्रगलिंग स्पाइडर को देख रहा था कि कैसे वो संघर्ष कर रही है अपने जाल में जाने के लिए एंड स्लेंडर थ्रेड। स्लेंडर थ्रेड मीन्स जो उनके जो जाल के जो पतले पतले जो रेशे होते हैं जिनको हम धागा भी कह सकते हैं। बस एट दैट टाइम द किंग ब्रश गेज्ड अपॉन हिज थ्रेड स्लेंडर थ्रेड्स एंड वेविंग सॉरी स्विंगिंग spider, it sagged under the spider's weight but held on and finally without giving up spider able to wave its web. Brush then saw it succeed slowly and steadily the spider waved it web and finally kya hota hai without giving up, bina haar mane spider able to get his web, वो अपने जाल में जाने में सफल हुई।